पंजाब के तीन यूनिवर्सिटीज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और पटियाला यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस जो हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आप खुद भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि पंजाब बीएड admissions.org पर जाकर आप क्विक लिंक्स में पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन पर ये इंफॉर्मेशन खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी टू अपियर इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दी गई है, इसको ब्रीफ में यहाँ पर समझ सकते हैं। मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनको ग्रेजुएशन में याद रखना है, ग्रेजुएशन इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, ठीक। उसमें कम से कम 50% मार्क्स चाहिए और एससी बीसी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 45, ये याद रखना है कि ये फिगर राउंड करके नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल 49.6 किसी की है, मतलब 50 से ये कम ही गिनी जाएगी। आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स जो है 50% होने चाहिए, इधर 45% एग्रीगेट विदाउट राउंड करके मार्क्स बनने चाहिए। दूसरी क्लैरिटी ये कर दे कि अगर किसी विद्यार्थी के ग्रेजुएशन में से एलिजिबिलिटी नहीं बनती, मतलब उसके 50% मार्क्स नहीं है, एससी बीसी के 45% मार्क्स नहीं है, तो यहां पर और है, इट मींस के फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में से 50% मार्क्स चाहिए, एससी बीसी कैटेगरी को 45% चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएशन जहां पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर इस कॉमन टेस्ट में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री में ग्रेड्स दिए गए हैं, मार्क्स नहीं दिए गए, तो वो ग्रेड्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी रूल्स। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंगली रहेगी। एक और बात है कि वो विद्यार्थी जिनका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ ग्रेजुएशन का, ठीक, तो वो भी इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। शर्त यही है कि उनका रिजल्ट जब आए तो उनकी एलिजिबिलिटी जो पीछे बताई जा चुकी है 50% और 45%, वो उन्होंने अकॉर्डिंग टू अपनी कैटेगरी गेन करनी है। लास्ट ये इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का आरएल है, री इवेल्युएशन फिल की हुई है, या कंपार्टमेंट केस है, आप भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर हो सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, जो भी काउंसलिंग फर्स्ट या सेकंड अगर लास्ट होती है तो सेकंड से पहले देंगी, लास्ट डेट से पहले आपका रिजल्ट आउट हो चुका होना चाहिए। कोई भी इंक्वायरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।